समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला स्वरघाट में विकलांग बच्चों के लिए एक दिवसीय खेलकूद पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ समग्र शिक्षा अभियान के खंड परियोजना अधिकारी जगदीप सिंह ने किया। इस खेलकूद पर चित्रकला प्रतियोगिता में 12 छात्रों और 12 छात्राओं ने भाग लिया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला स्वरघाट में विकलांग बच्चों के लिए एक दिवसीय खेलकूद व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ समग्र शिक्षा अभियान के खंड परियोजना अधिकारी जगदीप सिंह ने किया। इस खेलकूद व चित्रकला प्रतियोगिता में 12 छात्रों और 12 छात्राओं को मिलाकर कुल 24 बच्चों ने हिस्सा लिया। खेलकूद में 11 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 100 मीटर दौड़ व 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 50 मीटर दौड़, लोकोमोटर बच्चों के लिए असिस्टेंट बॉक व गोला फेंक प्रतियोगिताएं करवाएगी। अंत में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वरघाट के प्रधानाचार्य कुलदीप चंद शर्मा ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान प्रधानाचार्य कुलदीप चंद शर्मा ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला स्वरघाट के परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए एक दिवसीय खेलकूद एवं पेंटिंग और कलरिंग प्रतियोगिता का आयोजन समग्र शिक्षा अभियान के तत्वावधान में किया गया। इसमें इन बच्चों की विशेष योग्यताओं तथा शारीरिक क्षमताओं एवं मानसिक क्षमताओं के अनुसार खेलकूद गतिविधियाँ जो हैं वो आयोजित की गई। इस प्रकार के आयोजन इन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सर्वांगीण विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए तथा सामाजिक ढांचे की मुख्य धारा में इनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए आयोजित करवाए जा रहे हैं। मेरा समाज के सभी वर्गों से आह्वान है कि इन बच्चों को निरंतर प्रोत्साहन दें तथा इनके माता पिता को ऐसे आयोजनों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित और